फ्रेंड्स, आई एम जानवी। वेलकम टू माय चैनल जानवी डिवाइन हीलिंग। आज मैं आपके लिए एक मैजिक टेक्निक लेकर आई हूं और मैं पूरी डिटेल में बताने वाली हूं कि वो मैजिक टेक्निक हमें कैसे करना है जिससे हम हमारी विश को बहुत जल्दी फुलफिल कर पाएं। तो वो कैसे वर्क करती है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, वो सब मैं डिटेल में बताने वाली हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमेशा की तरह मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिए। तो चलिए हम जानते हैं कि वो मैजिक टेक्निक क्या है। आपने देखा होगा फ्रेंड कि आप अपने विश को फुलफिल करने के लिए इंटेंशन देते हो। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया है कि आप जो भी आपको विश फुलफिल करना है उसके पहले आप इंटेंशन दो। इंटेंशन दोगे तभी तो वो विश फुलफिल होगी, क्योंकि यूनिवर्स को ये नहीं पता होता है कि आपको क्या चाहिए। आपने मंत्रा चैंटिंग कर ली, स्विच वर्ड चैंट कर लिया, या कोई टेक्निक आपने कर ली, राइट कर रहे हो, कोई लिख रहे हो, आप कोई चीज कोई अफर्मेशन लिख रहे हो, लेकिन आपने इंटेंशन तो दिया नहीं, तो कैसे वर्क करेगा। पर चलिए, अब आपने उसमें इंटेंशन दे दिया है कि मैं ये मंत्रा 21 डेज के लिए करूंगा और मेरी ये विश फुलफिल हो जाएगी। लेकिन जब आप इंटेंशन देके आप मंत्रा को चैंट करना शुरू कर देते हो तो एक हफ्ता ही होता है और उसके बाद कोई ब्लॉकेज आता है, कोई रुकावट आ जाती है जिससे आप वो मंत्रा वहीं के वहीं स्टॉप कर देते हो। आपके 21 डेज कंप्लीट नहीं होते हैं और जब 21 डेज कंप्लीट नहीं होते हैं तो आपकी विश भी फुलफिल नहीं होती है। उसी तरीके से स्विच वर्ड होता है, उसी तरीके से राइटिंग वाली टेक्निक होती है। कोई से भी अगर आप टेक्निक कर रहे हो तो बीच में गैप आ जाता है, बीच में आप नहीं कर पाते, वो स्टॉप हो जाता है और आप परेशान हो जाते हो कि मैं तो करना चाहता था लेकिन बीच में ब्रेक पता नहीं क्यों हो गया। तो वो इंटेंशन पूरी तरीके से पावरफुल आपका नहीं हुआ। वो क्यों नहीं आपका हुआ काम, क्योंकि आपने उस समय इंटेंशन पावरफुल होके नहीं दिया। आपने बस इजीली इंटेंशन दे दिया और आपने वो चीज कर ली, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में आपका इंटेंशन नहीं गया। आपको पता है ना कि सबकॉन्शियस माइंड जो रहता है वो सोया हुआ रहता है, उसे हमें जगाना पड़ता है किसी भी तरीके से। क्योंकि जब हम कोई भी कुछ भी चीज बोलते हैं तो वो कॉन्शियस माइंड सुनता है। कॉन्शियस माइंड 10% वर्क करता है और सबकॉन्शियस माइंड 90% वर्क करता है, लेकिन वो सोया हुआ होता है, उसे हमें जगाना पड़ता है। तो हमें उसे जगाना पड़ता है और वो इतनी इजीली तरीके से नहीं जागता है। तो मैं आपको एक आज ऐसी मैजिक ट्रिक बताने वाली हूँ, मैजिक टेक्निक बताने वाली हूँ, जो भी आप उसे समझे कि वो जादुई प्रयोग बताने वाली हूँ, जिससे आप अपना इंटेंशन पावरफुल होकर दे सकते हो और वो सबकॉन्शियस माइंड में इजीली डाल सकते हो। और वो कैसे, तो चलिए हम वो मैजिक टेक्निक जानते हैं जिससे आपका इंटेंशन पावरफुल होगा और आप अपनी विश को फुलफिल कर पाओगे। इजी है, कुछ नहीं करना है। आप रात में जब सोते हो अपने बेड पे, तो पहले आप रात में सोते वक्त बैठ जाइए, क्योंकि आपको इंटेंशन देना है। तो आप रात में सोते वक्त बेड पे आप बैठ जाइए और बैठ कर आप एक ब्रीदिंग लीजिए और फिर एक ब्रीदिंग एक्सहेल करिए। पहले इनहेल करिए, फिर एक्सहेल करिए, और एक्सहेल के बाद आपको अपनी सांस को वापस लेना नहीं है, वहीं की वहीं रोक देना है। कैसे, अब लेना नहीं है, आपको रोक देना है जब तक आपकी बॉडी तड़पती नहीं है कि मुझे सांस चाहिए, मुझे सांस चाहिए, और आप बिल्कुल एकदम घबरा गए होगी, बाप रे अब मुझे सांस लेनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को सांस लेनी पड़ेगी, इस तरीके से आप तड़प जाओ। उसी समय आप एक अपनी मुट्ठी बांधो इस तरीके से, उसी समय जब आप तड़प रहे हो, सांस रोकी हुई है, मतलब ले नहीं रहे हो, वहीं की वहीं स्टॉप हो, तो एकदम से आप मुट्ठी बांधिए और पावरफुल होके उस समय इंटेंशन दे दीजिए। जैसे मान लो, मैं एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट के लिए, कि स्टूडेंट 4 बजे उठ के रोज पढ़ाई करना चाहता है अच्छे नंबर के लिए, तो स्टूडेंट क्या बोलेगा, आज मैं संकल्प लेता हूँ कि सुबह मैं डेली 4 बजे उठ रहा हूँ और डेली पढ़ाई कर रहा हूँ, जिससे मुझे 100% मार्क्स आ रहे हैं, 95% मार्क्स आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरा कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया है और मेरी मेमोरी पावर बढ़ गई है। अगर आप किसी दूसरे कार्य के लिए, मतलब कुछ भी आप इंटेंशन दे रहे हो कि मेरी ये वाला कार्य है और इस कार्य को मैं करके ही रहूंगा, मेरा कार्य होता ही जा रहा है, मेरा जो मैंने ये बिजनेस चालू किया है वो मैं इसको आगे बढ़ा के ही रहूंगा, आगे बढ़ता ही जा रहा है मेरा बिजनेस, आगे बढ़ता ही जा रहा है, मैं इसको बढ़ा के ही रहूंगा और मैं बढ़ता ही जा रहा है। तो इस तरीके से आप कोई सा भी इंटेंशन दे सकते हो। आपको पता है ना, आप इंटेंशन तो दे देते हो कि मैं जॉब के लिए ये करूंगा, फिर आप नहीं कर पाते हो। आप रिटर्न टेक्निक यूज करते हो कि मैं 21 डेज तक लिखूंगा, मेरी विश फुलफिल हो जाएगी, या अफर्मेशन लिखूंगा 21 डेज तक, तो मेरी विश फुलफिल हो जाएगी। बट
आपका 21 डेज तो कम्प्लीट ही नहीं हुआ, तो वहाँ इंटेंशन आपका वीक था। तो आप इस तरीके से इस टेक्निक को करके आप अपना इंटेंशन को पावरफुल बना सकते हो, जिससे वो चीज सबकॉन्शियस में चली जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड में जब चली जाती है तो वो आपका आपको ये चीजें लाकड़ देता है, मतलब आपको ये करवाना चालू कर देता है। जैसे आपने स्टूडेंट ने इंटेंशन दिया था कि मुझे 4 बजे उठना है, तो आप 4 बजे उठोगे, वो आपको उठाएगा और आप पढ़ोगे। अगर आपने एक्सरसाइज के लिए बोला है कि मुझे वेट कम करना है और मैं सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करूंगा, तो आप डेफिनेट एक्सरसाइज चालू कर दोगे, एक दिन का भी गैप नहीं आएगा। इस तरीके से पावरफुल इंटेंशन दिया तो आप किसी भी तरीके का जो आपने इंटेंशन दिया अपने विश के लिए, आप इस तरीके से करके पूरा कर सकते हो। मैं फिर से आपको करके बताती हूँ। पहले रात में सोते वक्त तो बैठ जाना है, इंटेंशन तो एक ही बार देना है, तो आप बैठ जाइए और सांस लीजिए और सांस छोड़ दीजिए और रुक जाइए, सांस लेना नहीं है जब तक आप तड़पो नहीं। मुट्ठी बांध लो, पावरफुल इंटेंशन दे दो, फिर देखो आपके साथ कैसे मिरेकल क्रिएट होता है। तो आपकी उससे विश भी बहुत जल्दी फुलफिल होती है। आप ये करके देखिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे मिरेकल क्रिएट होता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करना न भूले, ताकि दूसरों को विश फुलफिल जल्दी से जल्दी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिरेकल टेक्निक के साथ आपके पास आऊंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, इन टेक्निकों को यूज करिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी भरिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।